लखनऊ की महापौर सुषमा खरकेबाल ने आज अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया के सामने लेखा जोखा रखा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन कूड़ा प्रबंध को लेकर कंपनियों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिससे कूड़े को निस्तारण करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान किया गया और पुरानी कंपनी का टेंडर निरस्त कर नई कंपनी को टेंडर जारी किया गया है जो सफाई का कार्य कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम की स्कूलों के विस्तार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नहीं थे पंखे वगैरह, नहीं थे तो मैंने व्यापारियों को कहा था कि इनको अगर आप कर सको इनको ओब्लाइज तो कर लीजिए। उस पे हमारे जो पूर्व महापौर हैं उन स्कूलों में अब वो राज्यसभा सदस्य हो गए। फिर आएगा कि जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही, तो हमने पहले इस बार इंश्योर किया कि गाड़ी रजिस्टर्ड हो। गाड़ी रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि हम लोगों ने उसका जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अप्लाई किया, तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब डिलीवर हो गई है। आज भी जो गाड़ियाँ इनॉग्रेट हुई है उसकी जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिस जिसकी आती है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा उसको इंश्योर जरूर कराना है, क्योंकि पहले ऐसे कई सिचुएशंस नगर निगम के सामने हैं जिसमें गाड़ियां ली गई डायरेक्ट दे दी गई, जैसे आप कह रहे हो आई उसी दिन हमने डिलीवर कर दी, बाद में